कोड़िया जिले में दो बच्चियों के गायब हो जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दोनों मामलों के बाद संबंधित इलाकों में तनाव का माहौल है। लोग और कुछ कह रहे हैं, लफ्ज हाथ से जोड़कर देख रहे हैं। पहला मामला सहायक खंजाची हाट थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को भगाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा पप्पू यादव बोले, हम 18% फिर भी राजनीति में पिछड़े हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि नाबालिग बेटी को कोहिनूर मैरिज हॉल लाइन बाजार झंडा चौक स्थित एक होटल में काम करने वाले किशनगंज जिले के छतरगाज थाना पहरकट्टा का रहने वाला मोहम्मद सोहराब आलम, मोहम्मद कमरूल होदा और सोहराब का भाई आदि मिलकर मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से लेकर भाग गए हैं। लड़के की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को रविवार की सुबह 8 बजे लेकर भागा है। उसने पुलिस प्रशासन से अपनी नाबालिग बेटी को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की है। पूर्णिया में शादी समारोह में जमकर हुई ठाए ठाए, दो बारातियों को लगी गोली। बनमनखी में भड़की आग, वहीं दूसरे मामले में प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाने और पुलिस की शिथिलता के विरोध में व्यवसायी सड़क पर है। रविवार को बालिका की बरामदगी की मांग करते हुए व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया और बनमनखी बाजार बंद रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लड़की को अगवा किए जाने के 4 दिन बाद भी पुलिस ना तो उसका पता लगा पाई है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया है। मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपहरित लड़की के पिता ने 24 नवम्बर को देर शाम बनमनखी थाने में शिकायत की थी। आवेदन के आधार पर बनमनखी थाने में विभिन्न धाराओं पर केस दर्ज किया गया था। अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है। वहीं मामला बढ़ने पर मुख्यालय डीएसपी पंकज कुमार ने जांच की। इसके बाद बनमनखी सरसी और जानकी नगर थाना के पुलिसकर्मी और पदाधिकारी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रहे हैं। कानूनी जंग न्यूज के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट।